दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टीवी जगत के सेलिब्रिटीज के बारे में जो पैसे कमाने के मामले में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कम नहीं हैं। जैसे हिना खान, जिन्हें दर्शक आज भी अक्षरा के नाम से जानते हैं, वो टीवी इंडस्ट्री में ऐसा नाम बन चुकी हैं जो आज बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को भी टक्कर दे सकती हैं। ये अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो पैसे कमाने के मामले में बॉलीवुड स्टार्स को टक्कर दे सकती हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं। तो चलिए जानते हैं टीवी जगत के कुछ ऐसे मशहूर एक्ट्रेस के बारे में जो बॉलीवुड एक्टर से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। नंबर एक, हिना खान। टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा बहू अक्षरा के नाम से जानी जाने वाली हिना खान उस समय टीवी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से देश भर में मशहूर हुई हिना एक एपिसोड के 2 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज करती हैं। यही नहीं, बिग बॉस 11 जीतने के बाद हिना खान की फेम में और 4 चांद लग गए थे। नेटवर्थ की बात करें तो हिना खान का नेटवर्थ 53 करोड़ रुपए है। नंबर दो, मिशाल रहेजा। पिछले 15 सालों से हर घर के टीवी स्क्रीन पर अपना टैलेंट दिखाने वाले मिशाल रहेजा एक एपिसोड का 1 या 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मिशाल रहेजा को अगर किसी रोल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो है लागी तुझसे लगन सीरियल के दत्ता भाऊ। इस सीरियल से ये इतने फेमस हुए कि उस समय के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। नंबर तीन, अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे को पहचान एकता कपूर के सुपरहिट शो पवित्र रिश्ता से मिली थी, जब इन्हें अर्चना के रूप में लोगों के सामने आने का मौका मिला था, जिसकी वजह से लोग इन्हें अंकिता से ज्यादा अर्चना के नाम से जानने लगे थे। यही वजह है कि अंकिता एक एपिसोड का 1,50,000 रुपए चार्ज करती हैं। नंबर चार, सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो में गुत्थी के कैरेक्टर से पूरे देश को हंसाते हैं। एक समय में मात्र 500 रुपए में अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि सुनील ग्रोवर ने गुत्थी के कैरेक्टर से पहले ही 1995 में की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उस समय इन्हें कुछ खास फेम नहीं मिला। फिर उन्हें एक रेडियो शो में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था हंसी के फुहारे, और वहां से ये इतने फेमस हुए कि इन्हें कपिल के शो में गुत्थी के किरदार का ऑफर मिला। इसके बाद तो ये और ज्यादा फेमस होते चले गए। आज सुनील ग्रोवर एक एपिसोड के 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर पाँच, करण पटेल। ये है मोहब्बतें टीवी शो में करण ने रमन भल्ला के कैरेक्टर से सभी घरों में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन इससे पहले करण ने टीवी इंडस्ट्री में साल 2005 में कदम रखा था। तब ये रमन भल्ला बनने से पहले लोगों के दिलों पर रॉबी सबरवाल के नाम से राज कर रहे थे। तब भी इन्हें दर्शकों का उतना ही प्यार मिला था जितना कि ये है मोहब्बतें में रमन भल्ला बनने पर मिला। करण पटेल एक एपिसोड करने का 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर छह, कपिल शर्मा। जो इंसान एक समय महीने में सिर्फ 1500 रुपए में अपना गुजारा करता था, आज वो एक दिन में 50 लाख रुपए कमा लेता है, और वो कोई और नहीं भारतीय टीवी के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा है। इनकी जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं था। कपिल को छोटी सी उम्र में अपने घर का पूरा बोझ उठाना पड़ा था, जिसके लिए उन्हें 1500 से 2000 रुपए मिलते थे, लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बावजूद कपिल ने हार नहीं मानी और आज इनकी सफलता की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। कपिल शर्मा का कुल नेटवर्थ 245 करोड़ पहुंच गया है। इन सभी छोटे पर्दे के स्टार्स की आमदनी देखकर एक बात साफ है कि चाहे भारत में बॉलीवुड का कितना भी जलवा क्यों ना हो, लेकिन जब बात पॉपुलैरिटी की होती है तब घर घर में टीवी एक्ट्रेस का नाम ज्यादा सुनाई देता है, और शायद यही वजह है कि ये टीवी एक्ट्रेस हमारे बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा पैसा कमाते हैं।